इसका देखो एंड इसका कोट वगैरह देखो, ये देखो इसी का बच्चा ये है। ओके एंड इसकी सकते हो एक जर्मन शेपर्ड है इसकी तरह देखने, इसको अगर देखते हो आप तो ऐसे लगता है कि कितना अग्रेसिव होगा, बट अगर किसी वाली फीमेल है तो अपन एज अ कैश करते हैं या पप्पी बेस पे करते हैं। का है ये देख सकते हो, वाव क्या बात है, क्या वेरी गुड, क्या बात है दोस्तों। तो कौन सी ब्रीड है सर ये? बुल मैस्टिफ। ओके तो दोस्तों 2 साल इसकी एज है एंड मैक्स लॉन्ग कोट का है ये। तो सर इंजीनियर कैनल से लाए थे? लड़का जीप। हाँ ओके सर, कुल मिला के कितने डॉग्स है भैया? 30। बाप रे। तो दोस्तों देख सकते हो काफी क्यूट यहाँ पे डॉग है, ये देख सकते हो। तो ये अपन ने कहाँ से लाए थे सर? थाईलैंड से लाए थे। ओक्टो ब्रीड इसको मिला है, ये देख सकते हो। तो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो दोस्तों आपका अपना फेवरेट चैनल आशीष डॉग वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, और आज मैं आया हूँ दोस्तों नागपुर डॉग शो में। तो दोस्तों उसके पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हो तो अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अल्टीमेट क्वालिटी का जर्मन शेपर्ड है दोस्तों। वीडियो में एंड तक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो ये देख सकते हो दोस्तों काफी जबरदस्त क्वालिटी में जर्मन शेपर्ड है, ये देख सकते हो। तो क्या नाम है भैया इसका? डेंजर। और नागपुर में काफी पॉपुलर है ना? और देख सकते हो दोस्तों इसको, इसका फेस वगैरह देखो एंड इसका कोट वगैरह देखो, ये देखो। तो डाइट क्या चालू है इसको? तो चिकन राइस और फूड वगैरह। अच्छा अच्छा ओके। एंड इसकी एज कितनी हो गई है अभी तक? ये 3 साल का है। 3 साल का। हाँ। ओके एंड ये इसका कौन सा डॉग शो है? ये इसके तो बहुत सारे डॉग शोज हुए जहाँ से इसको लाए हम लोग ने, अभी मेरे पास ये 5वां 6वां है। अच्छा 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 ओके। तो ये विविध कैसी आए है ना? हाँ, ये केसी है। ओके ये देख सकते हो, इसका बच्चा है। अच्छा इसी का बच्चा ये है। ओके एंड इसकी एज क्या है? 11 महीने का। ओके साइज तो काफी बड़ा है इसका, है ना? और भी बढ़ेगा ये देखो, ये इसी का बच्चा है। और जो अभी ब्लैक वाली वो फीमेल है वहाँ पे, वो भी इसी की बच्ची है ना? अच्छा वो भी काफी अल्टीमेट क्वालिटी में है, ये देख सकते हो। तो इसकी एक आधी अच्छी खूबी बता दो। तो ये एकदम नटखटा है या? हाँ नॉर्मली लैब से भी ज्यादा फ्रेंडली है। अच्छा फ्रेंडली है, बाप रे। मैं हाथ लगा के देख सकता हूँ? तो दोस्तों देख सकते हो एक जर्मन शेपर्ड है इसकी तरह देखने, इसको अगर देखते हो आप तो ऐसे लगता है कि कितना अग्रेसिव होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, फुल फ्रेंडली है ये, ये देखो ये देखो। तो अभी तक इसने कितनी बार मीटिंग मारा होगा? इसकी तो बहुत मीटिंग हो चुकी है मेरे पास, इसकी 15 से 20 मीटिंग अभी हुई है, मेरे को ज्यादा टाइम हुआ नहीं इसको लाए। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले जहाँ पे था वहाँ पे भी मीटिंग्स हुई है, बच्चे अच्छे हुए। ओके तो अगर किसी के पास अगर फीमेल है तो अपन सिर्फ केसीआई में ही इसकी स्ट्रेस सर्विस देते हैं, नॉन केसीआई वाली फीमेल पे अपन मेट नहीं कराते, है ना? ओके तो अगर केसीआई वाली फीमेल है तो अपन एज अ कैश करते हैं या पप्पी बेस पे करते हैं?
कैश पे भी कर देते भैया, कोई फीमेल ज्यादा अच्छी वगैरह रही तो फिर पपी पे भी कर देते। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो अपन कैश में ही करते। अच्छा अच्छा, लोकल्स को पपी डिमांड पे भी दे देते हैं। हाँ हाँ, आउटर आउट ऑफ सिटी। हाँ हाँ, कैश मीटिंग। अच्छा, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड उसी में होता है ना। ओके, तो दोस्तों ये देख सकते हो, इसकी क्वालिटी दे सकते हो। अगर आपके पास इसके क्वालिटी की फीमेल है तो आप मीटिंग करने के लिए यहाँ पे ला सकते हो। तो भैया यहाँ पे अगर किसी को आना है अपने यहाँ, तो अपना लोकेशन और अपना मोबाइल नंबर क्या है? हमारा लोकेशन भी है कमाल चौक, मोबाइल नंबर 9370045604। ओके, एंड अपने पास जर्मन के पपीज भी अवेलेबल रहेंगे, है ना? ओके, थैंक यू भैया। तो दोस्तों अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, ये बुल मैस्टिफ है दोस्तों, काफ़ी बड़ा है। तो चलो वीडियो में बने रहो। तो ये देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में है। तो कौन सी ब्रीड है सर ये? बुल मैस्टिफ। बुल मैस्टिफ, ओके। एंड एज क्या है इसकी? टू ईयर्स। ओके, ये देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी बड़ा है। तो अग्रेसिव है या फ्रेंडली है मैम? फ्रेंडली। अच्छा, फ्रेंडली है। ओके, ये देखो काफ़ी बड़ी ब्रीड होती है ये। तो मैम आपने एक जैसे लोग कोई छोटी ब्रीड देखते हैं, तो आपने इतनी बड़ी ब्रीड लेने का कैसा सोचा एकदम, और वो भी बुल मैस्टिफ? हमको ये पहले से ही पसंद था, बुल मैस्टिफ ब्रीड। अच्छा, यही लिया। हाँ हाँ हाँ, तो ये नागपुर से ही लिए है या कहीं और से लिए हो? ये दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, ओके। ये विथ केसिया है? विथ केसिया है, ओके। काफ़ी बड़ा है दोस्तों, ये देख सकते हो। तो इसका डाइट क्या रहता है? डाइट जो अपना डॉग फूड जो रहता है, और राइस और कर्ड। ओके, एंड इसकी एक आधी गुड हैबिट? गुड हैबिट, तेरे बहुत काम है, सबके साथ फ्रेंडली रहता है। अच्छा, और जो भी कमांड्स देते वो सुनता है वो। अच्छा अच्छा, यानी कि टेम भी है ये। अच्छा, तो क्या कुछ करके दिखा सकता है अभी? हाँ, करके दिखा सकता है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो इसको हम कुछ करवा रहे हैं, देख सकते हो। वेरी गुड, क्या बात है दोस्तों। हाँ, ये देख सकते हो। एंड मैम इसकी एक आधी बुरी हैबिट? बुरी हैबिट तो नहीं है। अच्छा, नहीं, कभी कभी रहता है कि कभी कभी सुनता नहीं है डॉग, और अपने मूड में। अच्छा अच्छा, फॉलो करता है। ओके, ये देखो दोस्तों, काफी शानदार है ये। तो चलो दोस्तों, अभी मिलाता हूँ आपको मैं नेक्स्ट डॉग। तो दोस्तों देख सकते हो, काफी जबरदस्त क्वालिटी में यहाँ पे जर्मन शेपर्ड है। फुल ब्लैक मास्क में है, फुल एंगुलेशन में है, एंड लॉन्ग कोट में है। तो क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम है मैक्स। मैक्स, ओके। एंड एज क्या है इसकी? इसकी 2 साल का है। 2 साल, ओके। ये देख सकते हो दोस्तों, 2 साल इसकी एज है, एंड मैक्स लॉन्ग कोट का है ये। तो सर अपने ये कहाँ से लाए थे? ये इंजीनियर कैनल। इंजीनियर कैनल से लाए थे? जीप का लड़का है ये। जीप? हाँ। ओके, तो वो इम्पोर्ट है ना? हाँ हाँ, इम्पोर्ट। अच्छा, इम्पोर्ट का सन है। मदर फादर भी इम्पोर्ट। अच्छा, ये भी इम्पोर्ट ही हो गया। ओके, काफी जबरदस्त क्वालिटी में है। तो इसको डाइट क्या चालू है? इसको डाइट इसका फूड चालू है। अच्छा अच्छा, रेगुलर जो फूड रहता। तो जैसे ही अपने पास कुल मिला के कितने डॉग्स है भैया? कुल मिला के 30 डॉग्स। 30? बाप रे। तो अपना कैनल कहाँ पे है? अमरावती में भी है, नागपुर में भी है। अच्छा, नागपुर में भी है, अमरावती में। अच्छा, ये नागपुर में ही रहता है? ये नागपुर में रहता है। ओके, एंड तो अगर किसी को एज अ स्टड इसको यूज करना है, तो अपन पप्पी पे करते हैं या कैश पे? पप्पी पर भी करते हैं, कैश पर भी करते हैं, पर विद केसिया फीमेल रही तो ही मीटिंग लगाते हैं। अच्छा, भी केसिया की फीमेल रही तो ही अपन मीटिंग कराते हैं। हाँ। ओके, तो अगर किसी को मीटिंग करना है, पपीज वगैरह चाहिए, तो अपना मोबाइल नंबर क्या रहेगा? 8865858986। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हो, काफी खूबसूरत यहाँ पे मुझे हस्की दिखा है, ये देख सकते हो। वाव, क्या बात है। क्या नाम है भैया इसका? गारा। गारा, ओके, काफी यूनिक नाम रखा है। तो मेल है या फीमेल है ये? फीमेल है, ये देख सकते हो। एंड इसकी एज क्या है? 2 ईयर्स। ओके, एंड स्टैंडर्ड कोट में, ये देख सकते हो। विद केसीआई है? केसीआई पेपर वगैरह है?
विद केसिया है दोस्तों डॉग ये। तो इसके पहले कभी इसने पपीज वगैरह डाले हैं? नहीं, फ्रेश है पूरी। ओके, ये देख सकते हो। तो इसकी एक आधी अच्छी हैबिट, इसकी एक आधी अच्छी आदत, अच्छा बहुत हाइपर एक्टिव है। अच्छा, ओके, एंड इसकी एक आधी बुरी हैबिट? बुरी तो कुछ भी नहीं, सब सुन लेती है। अच्छा, ये देख सकते हो काफी क्यूट है ये। और तो इसको डाइट क्या चालू है? डाइट फूड और चिकन। अच्छा, और ये देख सकते हो इसको तो शेडिंग पे चालू। अच्छा, शेडिंग पे है। अभी शेडिंग चालू। ओके, शेडिंग पे है। ये देख सकते हो इसको, काफी क्यूट है दोस्तों, ये हस्की है। सिट। ओ, ट्रेन भी है। तो क्या क्या कर लेती है? जो अपन बोलेंगे। अच्छा, तो बता सकते हो शेक हैंड वगैरह? हाँ, शेक हैंड वगैरह करके दिखाओ थोड़ा। वेरी गुड, क्या बात है दोस्तों, ये देखो। और ब्लू आईज में है ना? हॉट आईज है। घर आ, ये देख सकते हो, एक ब्लू आईज है और एक, ये देखो काफी क्यूट है, ये देखो। थैंक यू भैया। तो दोस्तों देख सकते हो काफी क्यूट यहाँ पे डॉग है, ये देख सकते हो। तो ये देख सकते हो, तो सर ये कौन सी ब्रीड है? ये टॉयपॉम। टॉयपॉम, ओके। एंड क्या एज का है ये? ये अभी 13 मंथ का हो चुका है। 13 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, काफी शानदार है ये, देख सकते हो। और जब अपन ने इसको अमरावती डॉग शो में उतारे थे तो वहाँ पे ये क्या लगा था? ये विनर लगा था, फर्स्ट विनर। ओके, फर्स्ट विन आया था दोस्तों। ये देख सकते हो कल्चर फॉर्म। और सर के पास ये 1, 2, 3, 4 नहीं दोस्तों, बल्कि पूरे 15 से 20 डॉग है ना सर? यस। तो सर का कल्चर फॉर्म, अच्छा स्पेशली टॉय फॉर्म का ही काम है। तो ये अपन ने कहाँ से लाए थे सर? ये थाईलैंड से लाए थे। थाईलैंड से लाए थे, ओके। तो सर अगर अपने पास इसके पप्पीज वगैरह होते हैं या इंडिया में, ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है? इसकी डिपेंड क्वालिटी पे होती है। अच्छा, 1000-1000। ओके, एंड जैसे ये एकदम छोटी ब्रीड है तो इनको डाइट क्या रखते हो आप? मिनी स्टार्टर। अच्छा, मिनी स्टार्टर। ओके, अच्छा अच्छा, ओके। तो ये देख सकते हो काफी क्यूट है ये। तो अभी यहाँ पे इसका राउंड हो चुका है? हाँ हाँ। तो क्या लगा? ब्रीड मिला है। अच्छा, बेस्ट ऑफ ब्रीड लगा है, लाइनअप के लिए रुका है। अच्छा, लाइनअप के लिए रुका है दोस्तों, अभी भी बेस्ट ऑफ ब्रीड इसको मिला है, ये देख सकते हो। हाथ लगा सकता हूँ मैं? तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये देखो काफी क्यूट है। जब मैं अमरावती डॉग शो में गया था तो ये बाल वगैरह यहाँ के सब थे, अभी इसकी ग्रूमिंग हो चुकी है, ये देख सकते हो हेयर कट वगैरह हुए है, ये देखो। तो सर अगर किसी को टॉय पॉम के पपीज वगैरह चाहिए तो अपना एड्रेस और अपना नंबर क्या रहेगा? मेरा नंबर है 8483802259। एंड लोकेशन क्या है सर? अमरावती। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। तो दोस्तों देख सकते हो काफी जबरदस्त डॉग ब्रीड यहाँ पे दिखी है। तो सर ये कौन सी ब्रीड है? ये सर समोइड। समोइड, ओके, ये देख सकते हो काफी क्यूट है ये। एंड इसकी एज क्या है? इसकी एज है 3 इयर्स। 3 इयर्स, ओके, काफी शानदार है दोस्तों ये डॉग। तो इसका जो फर वगैरह होता है वो इतना ही रहता है या और भी बढ़ता है? नहीं, इतना ही रहता है। इतना ही रहता है, फुल ग्रूम। अच्छा, फुल ग्रूम, ओके, ये देख सकते हो। तो सर जैसे अगर अपने इंडिया में इसकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? इंडिया में डिपेंड ऑन क्वालिटी है, वैसे स्टार्टिंग तो इसका 50-60,000 से स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड ये देख सकते हो। तो अपने इंडिया में इसकी डिमांड कैसी है? डिमांड तो काफी अच्छी है क्योंकि रेयर ब्रीड है। हाँ, इसे मिलती नहीं है। अच्छा, एक्सपेंसिव अच्छा। भी है बट उतनी रेयर भी है। हाँ हाँ, तो कैसा है? अच्छा, अच्छी डिमांड है। ओके, इसके भी पपीज अवेलेबल है अभी। अच्छा, अभी नागपुर में अवेलेबल है। तो अपने पास कितने हैं ऐसे? इसके अभी 3 पपीज अवेलेबल है। अच्छा, और बड़े डॉग्स कितने हैं अपने पास ये वाले? बड़े डॉग्स एक्चुअली हमारा कैनल है, ऑरेंज कैनल के नाम से। अच्छा, अनुपराठी सर का। हाँ हाँ, तो उसमें नागपुर में है 200 डॉग्स उनके कैनल में। बाप रे, काफी बड़ा कैनल। हाँ, और उनका वनी में भी कैनल है। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो जैसे ये अपना डॉग है, इसका नाम क्या है? इसका स्नो है। स्नो, तो इसको डाइट क्या चालू है? इसका डाइट नॉर्मल डॉग फूड, राइस, पनीर। ओके, तो क्या इसका रिंग लग चुका है? इसका लगने का है। अच्छा, लगने का है थोड़ा। अच्छा, तो इसलिए इसकी तैयारी हो रही है, ये देख सकते हो दोस्तों आप। तो फ्रेंडली है या अग्रेसिव है? फ्रेंडली है। अच्छा, हाथ लगा सकता हूँ मैं? लगा
लगा सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों काफी क्यूट है। अच्छा इधर, हाँ हाँ ये देख सकते हो काफी क्यूट है। और फर जो है एकदम स्मूथ है ना भैया, काफी स्मूथ है। तो इसमें भी क्या अलग अलग कलर आते हैं या ये व्हाइट में ही होता है? व्हाइट में ही आता है। अच्छा ये देख सकते हो दोस्तों काफी क्यूट है ये। और इसके पपीज भी अपने पास अवेलेबल है? ओके, तो अगर किसी को इसके पपीज वगैरह चाहिए तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहेगा? कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा 9022803051। ओके, एंड एड्रेस है हिंगना। हिंगना में कैनल है। ओके ओके, कैनल में गोल्डन रिट्रीवर से लेके सारी ब्रीड आपको अवेलेबल मिल। अच्छा, अगर कोई भी कस्टमर कैसे भी नीड लेके आता है अपने पास तो सब पूरी कर दिया जाएंगे। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हो ये है नागपुर डॉग शो की वीडियो जो कि लाइनअप के लिए लगे हैं डॉग्स। वो इसे स्टैग लगाते हैं दोस्तों डॉग शो में, ये देखो। ये पोजीशन देखी जाती है दोस्तों आपके डॉग की। ये देखो दोस्तों ये है स्टैग। कितने क्यूट ये देखो दोस्तों। ये देखो दोस्तों क्या खतरनाक ट्रेनिंग दिया है, स्टैग से हिल भी नहीं रही है वो। ये देखो वाओ क्या अल्टीमेट ट्रेंड है दोस्तों ये। ये देखो देखो दोस्तों क्या खतरनाक ट्रेंड है दोस्तों ये। क्या बात है दोस्तों, काफी जबरदस्त। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल द माइनर पपी एग्जिबिटर्स
we'll be announcing the best handlers on the ऐसे बनाना था कुछ ऐसा है बीच में से दौड़ रही है तो पूछना बेकार है मतलब पूछा नहीं चला गया आपको भी जाना था जैसा पैसा अंदर कोई कुछ बोल ना रहा ले ले यही से उधर तो नहीं जाने दे रहे उधर जाने दे तो इधर दोस्तों यहाँ तक मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड दोस्ती है तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों में शेयर करो एंड मेरी चैनल को कर दो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ और इससे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। और दोस्तों अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मेरा यूजर नेम है आशीष भागवत और वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे रील्स वगैरह डालते रहता हूँ दोस्तों। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, वंदे मातरम।